बच्चे की हत्या के आरोप में जेल में ही लगा लिया फंदा। वेबसाइट पर इनाम का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से की ठगी। चरखा मशीन में फंसा मजदूर का हाथ तो हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोप में जेल में लगा दिया फंदा। ताऊ के सामने किया था पछतावा। फिरोजपुर जिले के गांव में आसार में 11 जनवरी को बच्चों को दूध में जहर देकर और पत्नी की तेज धार हत्या से मारा था। 21 दिन पहले ताऊ की भी हो चुकी है मौत। माँ और बड़े भाई पर भी है केस दर्ज। माँ कैंसर से पीड़ित है। केस माँ और भाई ने प्रशासन को बाहर निकालने के लिए अपील कर चुके हैं। ग्रामीण फिरोजपुर के जिला क्षेत्र स्थित अस्पताल में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह करीब 1.5 महीने ही पत्नी और बच्चे को हत्या के आरोप में बंद किया था। बताया जा रहा है कि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, इसके चलते खुदकुशी कर ली है। परिजनों को शव को सौंप दिया है। वेबसाइट पर इनाम का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से ठगे करोड़ों रुपए। 2 साल बाद हाथ आए आरोपी। कॉल सेंटर में काम करने के दौरान 4 युवकों को मिलकर ठगी का तरीका सूझा। उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर लोगों को खरीदारी के लिए आमंत्रित किया और बड़े इनाम का झांसा भी दिया। इस तरह से सैकड़ों लोगों ने उनकी वेबसाइट से खरीदारी की, जिसमें सामान मिला ही नहीं। आरोपी लगभग 5 करोड़ रुपए करने के बाद यह वेबसाइट बंद कर फरार हो गए हैं। बता दें कि 2 साल से फरार चल रहे इन 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ितों ने बताया कि इनसे लग्जरी गाड़ियां और लकी ड्रॉ के नाम पर आरोपियों ने 6 लाख रुपए की ठगी की है। उन्हें यह इनाम दिए बिना आरोपी फरार हो गए हैं। छानबीन के दौरान ऐसा ही एक मामला नोएडा के सेक्टर 20 में भी दर्ज पाया गया है। चरखा मशीन में फंसा मजदूर का हाथ। एमपी निवासी युवक छत्तीसगढ़ में गुड़ फैक्ट्री में काम करने आया था। कदवा बांडा तराई थाना के क्षेत्र में ग्राम खरब में संचालित में शनिवार को गन्ना पेराई करते वक्त जहां मजदूर का हाथ चरखा मशीन में फंस गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस इसे आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।